हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सौम्य खत्री और आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके आप लोगों के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है एक अनबॉक्सिंग वीडियो प्लस डेमो, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगी फेक ब्राइडल नेल एक्सटेंशंस। ब्राइडल फेक नहीं होगी, मतलब जो भी आगे आगे लगाएगी अगर इसको, नेल्स फेक होंगे। तो मैं वो आपको अभी अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। मंगा लिया था फ्लिपकार्ट से मैंने ये मंगाया है। इसकी कॉस्ट मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका। तो देखते हैं कि ये कैसा रहता है। सो या इंट्रो को ज्यादा लंबा ना करते हैं, सीधे चलते हैं अपनी वीडियो में। सो क्या बोलेंगे हम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे ये तो बड़ी जल्दी ओपन हो गया यार। ठीक है, तो ये मैं आपको बैक साइड से दिखा रही हूँ क्योंकि आगे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, यू नो। यार ये कितनी प्रिटी है। तो ये दो चीज़ें और आई हैं साथ में, हम देखते हैं कि ये क्या है। ये है नेल ग्लू, ये भी है नेल ग्लू। नाइस, दो नेल ग्लू आई हैं साथ में। बॉक्स पे ये आया है बॉक्स नेल एक्सटेंशंस का। पैकेजिंग इज़ फाइन, मतलब कि हमने क्या करना है वैसे भी पैकेजिंग का, बट स्टिल ठीक है। जो हमने इसके लिए प्राइस पे किया उसके हिसाब से पैकेजिंग इज़ रियली गुड। कंटेन्स 12 नेल्स एंड इंस्टेंट नेल ट्यूब ग्लू। नेल एक्सटेंशंस भी देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो अब ओपन करके देखते हैं हम। तो अब मैं ये ओपन करके देखती हूँ। तो इसके ऊपर एक ही और कवर है, इसकी क्वालिटी देखते हैं कैसी है। ओके, ठीक है, क्वालिटी ठीक है। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, ये वाले नेल एक्सटेंशंस जो घर पे लगाने वाले हैं, ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कैसे निकलेंगे, इनको कैसे लगाना है, मैं फ़र्स्ट टाइम देखूँगी इसके। तो इसमें जो है तो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हिसाब से दिए हैं, जैसे कि ये जो मिडल वाले हैं ये मुझे लग रहा है ये स्मॉल वाली फिंगर्स के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंग हमें खुद देखना पड़ेगा क्या लगेगा, तो देखते हैं क्या रहता है। और इसका जो ब्रांड नेम है दैट इज़ जेन लव लिखा हुआ है इसके ऊपर, जेन लव इज़ द ब्रांड नेम। ऑरा स्किन 12 पीस गॉर्जियस ब्राइडल सीरीज रोज गोल्ड इसका नाम। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। आई होप ये ग्लू फेविक्विक की तरह ना हो, पता चले मेरी उंगली ऐसे आपस में चिपक गई। जो मैं देख पा रही हूँ कि इसमें ऑलरेडी ना अंदर ग्लू लगी हुई है, अगर आप देख सकते हो तो ऑलरेडी अंदर ग्लू लगी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम लगाने के लिए आप इसको इजीली ऐसे ही लगा सकते हो, सेकंड टाइम के लिए आपको ग्लू यूज़ करनी पड़ेगी। बट मैं आपको एक हाथ पे ग्लू के साथ लगा के दिखाती हूँ, एक हाथ पे जो इसमें लगी लगाई आई है ग्लू उसके साथ लगा के दिखाती हूँ। तो हम डेमो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो है ये स्मॉल फिंगर का है, ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ओ नाइस, ठीक है, सेकेंड लगाते हैं। पे मैं इसके साथ लगाऊंगी ग्लू के साथ। कितने स्मार्ट लग रहे हैं। तो अब हम बाकी भी लगा लेते हैं कि देखने पड़ेंगे कौन सा जाएगा, वो तो बड़ा है। उठाया भी नहीं जा रहा कुछ हाथ से। ये दो नेल्स बच गए हैं क्योंकि मेरी 10 ही उंगली हैं। तो मैं बुलाऊंगा। तो ये मुझे तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, मतलब आई रियली लाइक देम। तो मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। सीरियसली, क्वालिटी इज रियली रियली गुड। जिस प्राइस रेंज पे हमें ये मिला है क्वालिटी इज़ रियली गुड, और ये दिखने में बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहे हैं।
बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आई लव देम। आज के दिन तो मैं इनको रखने ही वाली हूँ। और इनकी क्वालिटी इज़ रियली गुड, क्वालिटी इज़ रियली गुड इस प्राइस रेंज में। एंड ये बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, सामने से देखने में बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी लुक दे रहे हैं। इनकी शेप भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, और भी अलग अलग शेप्स के भी हैं, अगर आप चाहें तो आप वो मंगा सकते हैं। एंड इनकी मैं अब आपको बता देती हूँ प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ इनके प्रोज़ क्या हैं। तो मैंने जैसे कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं जैसे मेकअप करती हूँ लोगों का, तो क्या होता है कि हर कोई कैरी नहीं करना चाहता, जो परमानेंट नेल एक्सटेंशन आते हैं जो कि महीना डेढ़ महीना चलते हैं, तो हर कोई वो चीज़ कैरी नहीं करना चाहता है। तो उनके लिए ये चीज़ परफेक्ट है कि मतलब कि एक दिन फंक्शन है, लगाया, दो तीन घंटे लगाया और इन्हें उतार दिया, निकाल दिया, ये ईजिली रिमूव हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि देखो ऐसे नोच रही हूँ अपने आपको, ओके मैं साइको नहीं हूँ गाइस। क्वेश्चन होता है कि हमने जो है लहंगा पहनना है, ठीक है, लहंगा पहनना है एज अ ब्राइड, या हमारी एंगेजमेंट है, हमने कोई ड्रेस पहनी है, हम अगर ऐसे अगर हमने ऐसे पकड़ी हुई है ऊपर की तरफ उसको, यू नो हैवी लहंगा है तो ये उतर तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ईजिली ये नहीं उतरेंगे। अच्छे से ग्लू लगा के इनको टाइम दे सेटल होने का। अगर आपने क्या करना है कि अच्छे से ग्लू लगानी है और उसके बाद इसको अप्लाई करना है, और मैं इनको डेफिनेटली कैरी करने वाली हूँ आज के दिन तो, और अगर कहीं किसी फंक्शन में जाऊँगी तो डेफिनेटली मैं इनको कैरी करूँगी, और इनके और भी अगर कलर्स हैं तो मैं मंगाने वाली हूँ। ये ब्राइडल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वैसे अगर आप किसी पार्टी में भी इसको कैरी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेंथ इज़ परफेक्ट मेरे हिसाब से, अगर आपको छोटे करने हैं तो आप इनको कट कर सकते हो, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, दो दो घंटे ही अपने देने की ज़रूरत नहीं है नेल एक्सटेंशन कराने में, और आपको जब तक ये चाहिए आप लगाओ, बाद में उतार दो। अब मैं इसकी कॉन्स बता देती हूँ क्या है, कि ये जो है थोड़े से तीखे है, मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ ना तो वो लग रहा है लिटरली, ठीक है, इनके जो वो है ना शेपिंग, हाँ वो ढंग से नहीं हुई हुई है, वैसे देखने में नहीं पता चल रहा कुछ भी, देखने में बिल्कुल परफेक्ट है, बट जब हम मैं हाथ लगा रही हूँ अपने फेस पे तो वो काफ़ी चुभ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें कि क्या कहते हैं इसको, फेस पे हाथ मत लगाएं, ठीक है, तो आप अवॉइड करें। और यार दो घंटे के लिए क्या दिक्कत है यार, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, वैसे अगर हम एक्सटेंशन कराते हैं तो वो प्रिटी एक्सपेंसिव होते हैं, तो और उनको हमें फिर कैरी भी करना पड़ता है, या फिर आप उसको रिमूव करवा के आओ जाके, तो दिस इज़ अ गुड डील। एंड या डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आप ये डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत ही अच्छे एक्सटेंशंस हैं ये, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया लगा के। एंड या आई लव देम। सो या गाइस मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो या ये तो बात हो गई इस वीडियो की, अनबॉक्सिंग और डेमो की, अब हम बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बहुत ही अमेजिंग से गिव अवेज आपके लिए लाने वाली हूँ, तो इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग सा गिव अवे, ठीक है, जो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी उसके बारे में। गाइस आई एम एक्साइटेड। तो जो अब गिव अवे है उसमें मैं आपके लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग सा हैंड बैग अगेन, एंड विच इज़ फ्रॉम ज़ारा। ये है एक ट्रांसपेरेंट सा बैग है, और इसके अंदर एक, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे एक क्लोजिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं, और अंदर एक पाउच है, ठीक है। तो इसको आप एज अ हैंड बैग भी ले सकते हो, और मतलब ऐसे शोल्डर बैग की तरह भी आप इसको ले सकते हो। एंड या कितना अमेजिंग सा, बहुत ही सुंदर सा ये बैग है, इसकी वर्थ है ₹22,90। एंड या तो अगर आप लोग इस बैग को बनाना चाहते हो अपना, तो आप गिव अवे के लिए क्या करना है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसके अलावा मैं आपको समझा भी देती हूँ कि वो क्या है। आप सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है मेरी किन्हीं भी 5 वीडियोस को लाइक, और उन पे करना है कमेंट जो किसी भी तरीके से रही हो हेल्पफुल या आपको अच्छी लगती हो, कुछ भी आपको उसमें अच्छा लगा हो, तो उनके ऊपर आपने करना है लाइक और कमेंट किन्हीं भी 5 वीडियोस पे, ठीक है। उसके बाद आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मेरी वीडियोस को करना है शेयर, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपको मिलेंगे ब्राउनी पॉइंट।
फ्रेंड्स। एंड या गाइस मेरी और जो भी आप शेयर करेंगे मेरे को इंस्टाग्राम पे मुझे स्क्रीनशॉट्स डीएम में भेजना बिल्कुल मत भूलिए। गिव अवे मैं एंड करूंगी 18th of March को एंड या इसका रिजल्ट भी मैं निकालूंगी 18th of March को। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस गिव अवे में तो इसमें एंटर करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।